नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी 710 न्यूज़ और हम लोग मंदिर के अंदर आ चुके हैं। हमारे जस्ट पीछे आप ये तो त्रिशूल देख रहे हैं, आज ही इसका पूजन हुआ है। हम लोग त्रिशूल के पास चलते हैं और आपको वो त्रिशूल भी दिखाते हैं कि किस ढंग से ये त्रिशूल जो यहाँ पे गठित किया गया श्री पंचधाम यूना अखाड़ा द्वारा, ये त्रिशूल का आज निर्माणकालीन आज पूरा हो चुका है। उसी त्रिशूल को आज यहाँ पे स्थापित किया गया है, जो कि एक भोले बाबा के प्रतीक रूपी चिन्ह का प्रतीक है ये त्रिशूल। आइए हम लोग उस त्रिशूल के पास चलते हैं, बाबा के शिवलिंग के पास भी चलते हैं। आप जो भक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको बाबा के लाइव दर्शन आपको यूपी 710 उसके माध्यम से करवाते हैं। और रही बात एक बिग अपडेट, जो रात्रि 8:30 बजे बाबा की भोग आरती होगी वो यूपी 710 उस पर लाइव टेलीकास्ट और लाइव टीवी इंडिया जो पंचधाम यूना अखाड़ा का चैनल है उस पर आपको लाइव टेलीकास्ट दिखाई जाएगी, वो भी आनंदेश्वर धाम मठ मंदिर से, जो कि यूपी 710 से कुलदीप त्रिवेदी जी आपको लाइव टेलीकास्ट लगातार दिखाएंगे। ये मंदिर के अंदर चलते हैं और मंदिर के अंदर का आपको वो व्यू दिखाते हैं क्या किस ढंग से जो बाबा आज सजे हुए हैं, बाबा का जो श्रृंगार है, जो दुग्ध अभिषेक, जल का अभिषेक, जो यहाँ पे देखिए आप जिस ढंग से यहाँ फूल मालाएं, जो बाबा के दरबार को बाबा को रिझाने के लिए इत्र, दूध, बेला, यहाँ तक कि उनका जो उनका मेन पदार्थ है, जो उनका मेन फल है वो है धतूरा, वो सब भी यहाँ पे बाबा को अर्पित करने के लिए लोग यहाँ से लेते हैं। जिसके तरफ प्रसाद यहाँ पे लोग बाबा को वो हर चीज़ चढ़ाते हैं जिससे बाबा खुश होते हैं। और जो भी भक्त बाबा आनंदेश्वर धाम में 41 दिनों तक लगातार आता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है, वो यहाँ के भक्तों का भी कहना है, यहाँ के महंत का भी कहना है। और जिनकी जिनकी इच्छाएँ पूर्ण हुई हैं वो तो बाबा में अच्छी श्रद्धा रखते हैं। बाकी कानपुर में ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में इस मंदिर का पुराणों में भी नाम है और अत्यधिक गूगल में भी सबसे ज़्यादा बाबा की कहानियाँ हैं, बाबा की सुर्खियाँ हैं, इंस्टाग्राम में सबसे ज़्यादा बाबा हमारे वायरल रहते हैं। आइए मंदिर के अंदर चलते हैं, मंदिर के अंदर का आपको व्यू दिखाते हैं क्या बाबा के किस ढंग से दर्शन लोगों को हो रहे हैं, क्या कोई दिक्कत हो रही है, क्या कोई किसी को कोई परेशानी हो रही है आपको बाबा के मंदिर के अंदर चल के। और बाकी रही बात, ये वो त्रिशूल है जिस त्रिशूल की मैं बात कर रहा था, यही त्रिशूल की आज स्थापना पंचधाम यूना अखाड़ा द्वारा करवाई गई है, जिसमें कि ये त्रिशूल एक अपने आप में बाबा का चिन्ह नजर आ रहा है। आप हर तरीके से देख सकते हैं कि एक ये स्टील के गठे पे गठा हुआ ये त्रिशूल है जिसको आज यहाँ पे स्थापित किया गया है। आने वाले विगत सोमवार में बहुत सारे बदलाव आनंदेश्वर धाम परमिट में होते रहेंगे। आइए हम लोग मंदिर के अंदर चलते हैं और मंदिर के अंदर चल के देखते हैं क्या कुछ बाबा के दरबार में इस बार नया है। और बाकी ये रही बात ये निकास द्वार है बाबा के दरबार में जाने का, कि जो भी भक्त यहाँ पे आता है तो यहाँ से दर्शन करके वो निकल सकता है। और इतने समय हम लोग मंदिर के अंदर पहुँच चुके हैं, मंदिर के अंदर बाबा के दरबार में प्रोग्राम भी चलते रहते हैं, क्योंकि रही बात सावन चल रहा है तो सावन का पहला दिन है तो उस जंग से यहाँ पे बाबा के प्रोग्राम भी हो रहे हैं। और ये बाबा का मेन दरबार है जिसमें इस दरबार के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं। ये लोग दरबार के अंदर भी चलते हैं, दरबार के अंदर चल के आपको बाबा के दर्शन करवाएंगे, जिस जंग से यहाँ पे जो श्रद्धालु बाबा के दरबार के बाहर जो अत्यधिक भीड़ लगाए हुए हैं, यहाँ पे जो प्रतिदिन यहाँ पे दर्शन हो रहा है सावन को लेकर के बहुत ज़्यादा बड़ी अपडेट होती रहती है यहाँ पे, क्योंकि सावन के दिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे भीड़ होती है। कानपुर की मिनी काशी सुशोभित बाबा आनंदेश्वर धाम का ये मंदिर जो सबसे ज़्यादा अपने आप पे एक शोभा माने, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं इतने समय बाबा के दरबार के बाहर मौजूद हूँ, बाबा के दरबार में आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी आपको वो चीज़ें नहीं दिखाई देंगी तो हम लोग आपको गर्भगृह के अंदर चल के दिखाते हैं। अब हम लोग गर्भगृह के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, गर्भगृह के अंदर आपको दिखाएंगे। और ये रही बाबा की आरती, जो बाबा की आरती सारे भक्तों को दी जाती है, क्योंकि पीछे तो गंगा जी हमारे हमारी जो गंगा जी हैं वो बाबा के बिल्कुल एकदम स्पर्श करती रहती हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जब आखिरी सावन होता है, बाबा का आखिरी सोमवार होता है, तब यही गंगा जी जो पूरा जल भरा हो जाता है, आखिरी सीढ़ी यानी कि बाबा का जो आखिरी पैर होता है उसको टच करती है। आइए हम लोग मंदिर के अंदर चलते हैं और मंदिर के अंदर चल के आप सभी को बाबा आनंदेश्वर के दर्शन करवाएंगे, क्योंकि बाबा आनंदेश्वर का धाम काफ़ी ज़्यादा प्राचीन है, काफ़ी ज़्यादा पुराना है। आप जिस ढंग से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भक्तों की भीड़, भक्तों का ताता आए दिन लगा रहता है, क्योंकि रही बात कि सावन का मंगलवार है, दिन मंगलवार है जिसमें कि प्रथम दिन है सावन का। और आप देख सकते हैं कि बाबा के दर्शन निरंतर रूप से भक्तों को लगातार हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जल अभिषेक रुद्राभिषेक बराबर चल रहा है। तो रही बात सावन में जो भी जल अभिषेक या रुद्राभिषेक कुछ भी करवाता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भोले बाबा भोले भंडारी के स्वरूप हैं। और इतने समय कानपुर की मिनी काशी बाबा आनंदेश्वर धाम मंदिर में हमारी यूपी 78 इंडिया न्यूज़ की टीम, मैं ऋषभ शुक्ला, कैमरे के पीछे हमारे वीडियो रिलीज सारे दर्शकों की जी भी
यहाँ पे मौजूद है कुलदीप त्रिवेदी जी भी यहाँ पे हैं। आइए हम लोग बाबा के दर्शन करते हैं। अब किस तरीके से यहाँ पे बाबा की जो शिवलिंग है वो कैसी है, क्या है, आपको हर चीज़ दिखाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, मैं संवाददाता ऋषभ शुक्ला, वीडियो जर्नलिस्ट आर एन अशोक जी के साथ, आनंदेश्वर धाम परमाट, कानपुर, उत्तर प्रदेश।